A very good morning to all of you. Welcome Good to yet morning, another session of the computer networks. And in this lecture, we will discuss network software. In network software, we will be emphasizing on layers and protocols. So today's lecture is very important from understanding point of view. अगर आपको आज के लेक्चर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं जो बहुत ही इजी हो जाएंगे. हालांकि थ्योरी क्वेश्चन ये नहीं आता नॉर्मली एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर ये आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जो आगे कॉन्सेप्ट होंगे वो सभी की फाउंडेशन ये चीज है. आज का लेक्चर इसी फाउंडेशन पे नेक्स्ट सारी चीजें चलनी है. फिर तो बी डिलीजेंट एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट in the lecture. So let's start our discussion. First of all, with the network software. Now a network software is a very highly structured component. It defines how the different protocols and services will be handled efficiently. तो आपका जो network software है एक structured component है और ये डिफाइन करता है कि आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज को कैसे हैंडल करोगे. तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज लेयर्स एंड सेकंड वन इज प्रोटोकॉल्स. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द लेयर्स. नाउ अब तक हमने काफी चीजें डिस्कस करी. जैसे हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी आईपी एड्रेसिंग होती है, फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है. तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप कम्युनिकेशन करते हो ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क. अब इस कम्युनिकेशन में पॉइंट ये है कि अगर आप सारी चीजों को एक ही जगह पे रख के देखोगे कि एक ही जगह पे आपका इनक्रिप्शन हो रहा है, वहीं आपकी आईपी एड्रेसिंग हो रही है, तो द सिस्टम बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन व्हाट वी डिड, वी हैव डिवाइडेड द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनटू डिफरेंट सेक्शंस एंड दीज डिफरेंट सेक्शंस आर कॉल्ड लेयर्स. तो अब हमने किया क्या, अब कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं. आईपी एड्रेस असाइनमेंट हो रही है, आपका जो बिट्स हैं वो सिग्नल में चेंज हो रहा है, इनक्रिप्शन हो रही है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है. तो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. तो हमने क्या किया, इन फंक्शन के बेसिस पे एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट या मॉडल प्रिपेयर कर लिया जिसमें हमने हर अलग फंक्शन के लिए एक अलग स्लॉट बना दिया, एक अलग मॉड्यूल बना दिया. अब इन मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, लेयर्स. So it means the entire communication, the process of communication is divided into different modules. These modules are called layers. Har layer ka apna ek kaam hoga, har layer service provide karegi dusri layer ko, aur har layer ki functionality independent hogi, chahe wo uski upper layer ho, chahe wo uski lower layer ho, it doesn't matter at all. तो हर लेयर का अपना एक फंक्शन होगा, हर लेयर सर्विस प्रोवाइड करेगी अपनी अपर लेयर को, और जो उसकी फंक्शनैलिटी होगी लेयर की, दैट इज नॉट विजिबल टू द अपर लेयर और द लोअर लेयर. तो अब ये देखिए, जैसे इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू. अब मैंने ये मान लिया कि मेरे पास मैंने बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बिट्स टू सिग्नल. तो इस चीज इसके लिए जो मैंने फंक्शन बनाया, जो प्रोसीजर बनाया, उसको मैंने डाल दिया लेयर वन में. उसके बाद मैंने कहा जी एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसके लिए मैंने अगली लेयर डिजाइन कर ली. फिर मैंने कहा जी आईपी एड्रेस होता है, वो अगली लेयर हो गया. फिर मैंने कहा जी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, उसके लिए अलग लेयर हो गई. तो मेरे जितने मेन प्रोसेस थे ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, उस हर प्रोसेस को मैंने एक लेयर में उसको बाइंड कर दिया. तो इससे क्या मेरे बहुत सारे फायदे होंगे. तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन, ये मैनेजेबल ज्यादा हो जाएगा, और दूसरा इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट ज्यादा इजी हो जाएगी,
इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। अगर मैं ऐसे फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट लेयर्स ना बनाता, एक ही जगह पर सारे फंक्शंस रख देता, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। और मोर ओवर अगर आप एक चीज को चेंज करते तो उसके कारण बाकी सारी चीजें चेंज हो जानी थी, क्योंकि सभी चीजें एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं। तो अब मैंने क्या किया, हर फंक्शन के लिए अलग लेयर बना दी, और हर लेयर का अपना एक फंक्शन है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपर लेयर को, पर ये अपर लेयर को नहीं पता कि उसने किया क्या है। हर लेयर ने क्या करना है, बस डेटा एक्सेप्ट करना है, अपना काम, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और डेटा पास कर देना है टू नेक्स्ट लेयर। और जैसे हमने डिस्कस किया, आप एक बारी स्लाइड में ऑब्जर्व कर सकते हो, द लेयर्स आर नॉर्मली बिल्ट ऑन अपॉन ईच अदर, ईच लेयर हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन। हर लेयर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और वो एक फंक्शन परफॉर्म करती है। हर लेयर का नाम, कंटेंट और फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट नेटवर्क्स, बट हर नेटवर्क में ऐसे ही लेयर्स होती हैं, दैट इज फॉर श्योर। अब ये हो सकता है कि किसी एक नेटवर्क में कोई और मॉडल चल रहा हो, किसी एक नेटवर्क में कोई और मॉडल चल रहा हो, होंगी सभी में लेयर्स, पर लेयर के नाम, उनके फंक्शन और उनका कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, बट लॉजिकली होंगी हर जगह पे लेयर्स ही। तो हर लेयर के पास एक अपना एक्टिव पीस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं लेयर एंटिटी। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग, दिस टर्म, लेयर एंटिटी, द एक्टिव पीस ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विच कैरीज आउट द लेयर फंक्शन इज कॉल्ड लेयर एंटिटी। नाउ अब ये सारी कम्युनिकेशन को, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमने ऐसा किया क्यों, हमने फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट लेयर्स क्यों बना ली, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट लेयर्स बनाने से आपकी जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है उनको आप आइसोलेट कर सकते हो, कि लेयर वन पे जो हो रहा है उससे लेयर टू पे कोई फर्क ना पड़े, लेयर टू पे जो हो रहा है उससे थ्री पे कोई फर्क ना पड़े, तो हर लेयर की अपनी एक आइसोलेशन हो जाएगी। दूसरा, थोड़ा सा डिजाइनिंग का काम है, जो इट विल बी मच इजियर, क्योंकि एक ही जगह पर ये सारे फंक्शंस क्रिएट करने, ये सारा काम करना, इट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे जब आप लेयर्स बना लोगे, लेयर्स डिजाइन कर लोगे, तो इससे जो वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिजाइनिंग की, आप उससे बच जाओगे। नहीं तो एक ही जगह पे इतना बड़ा प्रोग्राम बनाना, फिर उसमें इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें इंप्लीमेंट करना, तो उससे क्या हो जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बढ़ जाएगी आपकी इंप्लीमेंटेशन की। लेकिन अब जब आप फंक्शन के अकॉर्डिंगली लेयर्स में डिवाइड कर लिया आपने सारा प्रोसेस, तो अब आपको हर लेयर को इंडिपेंडेंटली डिजाइन और डेवलप करना है। तो ये उससे थर्ड पॉइंट इज एसोसिएटेड विद द सेकंड पॉइंट, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द लेयर्स विल बिकम इजियर, क्योंकि एक जो अपर लेयर है इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द लोअर लेयर। इट डजेंट मैटर कि अपर लेयर पे अगर आप कोई चेंजेस करोगे तो उसका उससे नीचे वाली लेयर या उससे ऊपर वाली लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और इसका बेनिफिट है कि नेटवर्क आपका ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्यूचर में आप किसी भी फंक्शनैलिटी को बड़े आराम से चेंज कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि एक फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए सारे फंक्शंस चेंज करने पड़ेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लेयर इंडिपेंडेंट है फ्रॉम इट्स अपर एंड लोअर लेयर। अब ये तो थी लेयर्स की बात, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी, इट बेसिकली रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन, रेफर टू सेट ऑफ मेथड्स एंड रूल्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लेयर। इट इज बेसिकली द एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स हाउ द कम्युनिकेशन विल बी प्रोसीड। हर लेयर जो होती है एक सिस्टम पे, वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है ऑन द अदर सिस्टम, इसको बोलते हैं पीयर एंटिटीज, मीन्स सेम लेयर ऑन डिफरेंट सिस्टम, एज यू कैन ऑब्जर्व हियर, पीयर एंटिटीज, द सेम लेयर ऑन डिफरेंट मशीन्स इज कॉल्ड पीयर एंटिटी। मतलब सेंडर पे
सपोज करो लेयर नंबर वन और रिसीवर पे जो लेयर नंबर वन होगी उन उनको बोलते हैं पीयर एंटिटीज, सेंडर पे लेयर नंबर टू और रिसीवर पे लेयर नंबर टू इनको बोलते हैं पीयर एंटिटीज. तो सेम लेयर्स ऑन डिफरेंट मशीन्स आर कॉल्ड पीयर एंटिटीज. इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ये देखिए अब हमने क्या किया, पूरी कम्युनिकेशन को इस एग्जाम्पल में पांच लेयर्स में डिवाइड कर लिया. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें होस्ट ए इज द सेंडर एंड बी इज द रिसीवर. तो ये आपका रिसीवर है. तो अब ये जो सारा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, ये सारे प्रोसेस को हमने इस एग्जाम्पल में पांच लेयर्स में डिवाइड कर लिया. और अब आप देख सकते हो हर लेयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है टू इट्स अपर लेयर और उससे एक्सेप्ट कर रही है. अब लेयर थ्री जैसे सर्विस एक्सेप्ट कर रही है टू से और फोर से भी. सो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन द लेयर्स इज पॉसिबल. और आप देख सकते हो कि द सेम लेयर्स ऑन होस्ट ए एंड होस्ट बी दीज आर कॉल्ड पीयर एंटिटीज. तो ये आपके पास हो गई पीयर एंटिटी. सो द सेम लेयर्स ऑन डिफरेंट मशीन्स आर कॉल्ड पीयर एंटिटीज. तो कम्युनिकेशन आपकी दो तरह से हो रही है, एक आपकी हायरार्किकल कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन द अपर लेयर एंड द लोअर लेयर, और एक हो रही है आपकी पीयर कम्युनिकेशन, द सेम द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम लेयर ऑन द डिफरेंट सिस्टम्स. तो अब जो पीयर एंटिटी होती है मैंने उसके बारे में आपको बता दिया. ईच एंटिटीज लेयर एन इम्प्लीमेंटेड अ सर्विस यूज्ड बाय द लेयर एन प्लस वन. तो इसी तरह से हर लेयर अपनी नीचे वाली लेयर से सर्विस लेती है, ऊपर वाली लेयर को देती है. तो जब कोई सर्विस सपोज कीजिए एन लेयर एन वन माइनस वन से सर्विस ले रही है तो ये सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगी एन माइनस वन, और जो सर्विसेज लेने वाली लेयर है वो एक सब लेयर बन जाएगी. तो अब ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि इन दिस डायग्राम वी हैव डिवाइडेड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनटू डिफरेंट लेयर्स, फाइव लेयर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोकॉल्स. तो अब लेयर्स में कम्युनिकेशन कैसे होती है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो तरह की कम्युनिकेशन होती है लेयर्स में, द हायरार्किकल कम्युनिकेशन एंड द पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. तो ये मैंने डायग्राम में क्लियर किया था कि इसमें हायरार्किकल कम्युनिकेशन होगी जो सेम सिस्टम में डिफरेंट लेयर्स पे होगी. अब ये वाली ये सारी है आपकी हायरार्किकल कम्युनिकेशन, दिस वन दिस वन दिस वन मींस द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑन द सेम सिस्टम इज कॉल्ड हायरार्किकल कम्युनिकेशन. एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन सेम लेयर्स ऑन डिफरेंट सिस्टम्स इज कॉल्ड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. तो ये दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, हायरार्किकल एंड पीयर टू पीयर. तो हायरार्किकल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑन द सेम सिस्टम, एंड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम लेयर्स ऑन डिफरेंट सिस्टम्स. और जो डेटा एक्सचेंज होता है वो होता है थ्रू द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स. ठीक है जी, चाहे वो आपकी हायरार्किकल कम्युनिकेशन हो चाहे वो आपकी हो पीयर कम्युनिकेशन, एक्चुअली जो डेटा एक्सचेंज होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, पीडीयूज. ठीक हो गया. सो ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि हायरार्किकल और लेयर्ड कम्युनिकेशन और दोनों में क्या डिफरेंस है. तो अब आगे जो नेक्स्ट हमारा है इसके बाद कम्युनिकेशन, लेयर कम्युनिकेशन के बाद इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. तो इंटरफेस एग्जिस्ट बिटवीन द ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट लेयर्स. दो एडजेसेंट लेयर में एक इंटरफेस एग्जिस्ट करता है और ये इंटरफेस करेगा क्या, इट विल डिफाइन रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर हायरार्किकल कम्युनिकेशन. हायरार्किकल कम्युनिकेशन में आप कौन से रूल्स और प्रोसीजर्स
यूज करोगे, दिस विल बी डिफाइंड बाय द इंटरफेस, एंड इंटरफेस एग्जिस्ट बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट लेयर्स. सो इट ऑल्सो डिफाइन द वेरियस बेसिक ऑपरेशंस एंड सर्विसेज दैट द लोअर लेयर मेक अवेलेबल टू द अपर लेयर. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंटरफेस करेगा. पहली चीज, the interface will define rules and procedure for hierarchical communication. Hierarchical communication में आपके rules और procedure कौन से होंगे, और दूसरी चीज कौन से वो basic functions और services हैं जो एक lower layer provide करेगी to its upper layer. Rules and procedure for hierarchical communication and the basic services and operations that the lower layer will make available to its upper layer. These are the two most important things that will be defined by the interface. So, ab interface hota kahan pe hai? It exists between the each pair of adjacent layer. Now this one. This is interface. Now this is interface between 3 and 4. This is the interface between 2 and 3. This is the interface between 1 and 2. This is the interface between 4 and 5. Layer number 4 and layer number 5. अब ये इंटरफेस करेगा क्या? सारा प्रोसीजर और रूलिंग करेगा फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द लेयर्स, एंड इट विल आल्सो डिफाइन द बेसिक सर्विसेज एंड ऑपरेशंस दैट द लोअर लेयर विल मेक अवेलेबल टू इट्स अपर लेयर. दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द इंटरफेस. नाउ द नेक्स्ट इज सर्विसेज. क्योंकि हमने कहा ईच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू इट्स अपर एंड लोअर लेयर, तो अब हमें यह पता होना भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली सर्विसेज होती क्या हैं और ये पास कैसे होती हैं फ्रॉम वन लेयर टू द अदर लेयर. सो द ऑल द सर्विसेज बिटवीन टू लेयर्स, आई मीन ऑल द सर्विसेज दैट आर लेयर प्रोवाइड्स टू द अपर लेयर, it's provided through a special term that is called service access point. ठीक है जी. तो hierarchical communication में हर layer अपनी upper या lower layer को जो चीज provide करेगी, जो data provide करेगी, जो services provide करेगी, वो करेगी through service access point. Now service access point is the feature of the interface. Through service access point, what the layer will provide? It will provide the IDU. And IDU consists of ICI and SDU. IDU stands for Interface Data Unit. अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं. This is called IDU. Now IDU. अब ये पूरा IDU है. IDU is a combination of, जैसे हमने यहाँ पे देखा, this interface data unit, जो भी data layer एक layer से दूसरी layer में shift होता है वो होता है through the IDUs, interface data unit. अब interface data unit में दो चीजें होती हैं, ICI and SDU. तो अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं जी, IDI और SDU. तो ISDU stands for service data unit and ICI stands for interface control information. Interface control information and service data unit. तो हर लेयर अब जो भी चीज ट्रांसफर करेगी दूसरी लेयर को वो करेगी इन द फॉर्म ऑफ IDU. नाउ IDU consists of two things. The first one is interface control information and the second one is service data unit. Ab service data unit will contain the actual data. Jo actual data transfer hoga from one layer to the other layer. Aur ICI hoga uski header information, control information. Control information means usme sequence number hoga, identification hogi layer ki. To is ye sari cheeze hongi interface control इंफॉर्मेशन में, और SDU में सर्विस डेटा यूनिट में होगा आपका एक्चुअल डेटा.
Now, in order to transfer this SDU, the layer N entity divides into many small pieces. मतलब एक मैसेज को डिफरेंट मैसेजेस में डिवाइड कर देगी और इन डिफरेंट मैसेजेस के साथ एक हेडर लगा देगी और हर डिफरेंट मैसेज को सेंड करेगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. अब ये चीज आपको यहां से क्लियर हो जाएगी इस डायग्राम से. जैसे एक मैसेज को इस लेयर ने क्या किया, यहाँ पे दो दो में डिवाइड कर दिया, दो मैसेजेस में, M1 और M2, और उसके साथ एक हेडर लगा दिया. अब इसको बोलते हैं PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन. कहा था कि हर लेयर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और वो उस फंक्शन परफॉर्म करने के बाद वो डेटा है जो वो पास कर देती है टू अपर लेयर. अब जो भी हर लेयर अपना फंक्शन करती है, ऐड करती है, वो उसके लिए उसमें एक हेडर ऐड कर देती है. जैसे सपोज करो कि लेयर नंबर 1, ये मैं मान लेता हूँ, अब ये है लेयर नंबर 2. अब इसको यहाँ से डेटा रिसीव हुआ, इसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया डेटा पे और अपना हेडर ऐड कर दिया H1, ठीक हो गया. और अब ये H1 और डेटा इसने पास कर दिया लेयर 2 को. अब लेयर 2 को नहीं पता कि आया उसके पास क्या है, उसने क्या करना है, उसने सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है इस इनपुट पे. तो उसने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दी और अपना हेडर ऐड कर दिया. तो अब ये चीज होगी H2, H1 और D. अब ये इस चीज को पास कर देगी टू इट्स अपर लेयर. अपर लेयर को क्या मिला, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, उसने बस अपनी फंक्शनैलिटी इसमें ऐड कर देनी है इन द फॉर्म ऑफ हेडर. दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग द फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक हो गया. और जब ये चीज दूसरे रिसीवर साइड पे जाएगी, क्या होगा, वहां पे पीयर कम्युनिकेशन हो रही है. तो ये मैसेज था, लेयर 1 ने क्या किया, अपना फंक्शन ऐड कर दिया, उसको बना दिया H1 और ये पास कर दिया टू लेयर नंबर 2. लेयर नंबर 2 ने इसमें अपना फंक्शन ऐड कर दिया प्लस पिछला तो रहेगा ही, और ये पास कर दिया टू द नेक्स्ट लेयर. तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा. अब रिसीविंग साइड पे क्या होगा, अब रिसीविंग साइड पे लेयर 1 है, उसको ये तो नहीं पता कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन उसे ये तो पता है ना ये H1 क्या है, क्योंकि ये सेम लेयर ने उसकी ने परफॉर्म किया है ऑन द सेंडर साइड. तो वो क्या करेगा, अपनी फंक्शनैलिटी को ओपन करेगा और इसे रिमूव कर देगा और बाकी चीज पास कर देगा टू इट्स अपर लेयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकैप्सुलेशन. एडिंग द फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन एंड रिमूविंग द फंक्शनैलिटी एडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग लेयर ऑन द सेंडर साइड इज कॉल्ड डीकैप्सुलेशन. So, this is the concept of encapsulation and decapsulation. So, that concludes our presentation. So, आज की main चीजें हमने क्या discuss करी? हमने discuss किया network software. कि network जो software होता है, that is highly structured component. और इसमें हर protocol और services को कैसे efficiently हम manner कर सकते हैं, उसकी definitions होती हैं. हमने सारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया. हर लेयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपर लेयर को, हर लेयर इंडिपेंडेंट होती है अपर लेयर से, लोअर लेयर से. ये करने का बेनिफिट क्या है, डिजाइनिंग इजी हो जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इजी हो जाएगी और कुछ भी चेंजेस करने आपके लिए इजी हो जाएंगे. उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स, जो एग्रीमेंट होता है बेसिकली बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज की कम्युनिकेशन कैसे होएगी बिटवीन देम. तो उसके लिए डायग्राम आई. फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे हर लेयर अपनी अपर लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है, बट अपर लेयर को ये नहीं पता होता कि नीचे वाली लेयर ने क्या किया है, बिकॉज ऑपरेशंस आर इंडिपेंडेंट. लेयर कम्युनिकेशन दो तरह की हो सकती है, हायरार्किकल, द डिफरेंट लेयर्स ऑन द सेम सिस्टम फॉलोज द हायरार्किकल कम्युनिकेशन, एंड द सेम लेयर्स ऑन द डिफरेंट सिस्टम फॉलोज द पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. और जो सारा डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ PDUs. उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरफेस. एक सिस्टम में एडजेसेंट लेयर के बीच में इंटरफेस एग्जिस्ट करता है और ये क्या डिफाइन करता है, प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉर हायरार्किकल कम्युनिकेशन, एंड इट आल्सो डिफाइंस द बेसिक ऑपरेशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लोअर लेयर्स टू अपर लेयर्स. उसके बाद हमने देखा कि सर्विसेज
एडजस्टेंट लेयर के बीच में इंटरफेस है, इंटरफेस के में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं सर्विस एक्सेस पॉइंट। हर लेयर अपना डेटा आईडीयू की फॉर्म में उस सर्विस एक्सेस पॉइंट से पास करता है टू अदर लेयर। अब आईडीयू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस डेटा यूनिट एसडीयू एंड इंटरफेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन आईसीआई। एसडीयू कंटेन्स द एक्चुअल डेटा एंड आईसीआई कंटेन्स द कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो हर लेयर किसी भी डेटा को डिफरेंट उसको डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती है। तो उस पार्ट को डिवाइड करके सेंड करना उसको बोलते हैं पीडीयू विद द हेडर, इज कॉल्ड पीडीयू। इनकैप्सुलेशन मींस जो भी लेयर अपनी रिसीव्ड डेटा पे, एक लेयर को डेटा रिसीव हुआ इस अपनी लोअर लेयर से या अपर लेयर से, उस पे वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगी, और जो उसकी फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म करेगी उस रिसीव्ड डेटा पे उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। उसको ना उसकी अपर लेयर समझ सकती है ना लोअर लेयर, बट कौन सी लेयर समझेगी, सेम लेयर ऑन द डिफरेंट सिस्टम। वो डिफरेंट सिस्टम पे वही लेयर जब उस डेटा को रिसीव करेगी तो वो उस हेडर को रिमूव कर देगी, दैट विल बी एट दैट वॉज एडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग लेयर ऑन द अदर सिस्टम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकैप्सुलेशन। तो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। तो अगर क्लियर नहीं हुए तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। हाँ जी, आ जाओ मैदान में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो पूछिए, या आपको कुछ नहीं समझ आया तो फिर भी पूछिए। अच्छा, ज्यादा कुछ समझ नहीं आया आज के लेक्चर में। और बताइए, और भाई फीडबैक दो ताकि हम स्टार्ट करें फिर से। हाँ जी सर, वो सर्विसेज वाला बता दो कैसे वो मैसेज डिवाइड करता है, फिर वो जो पीडीयूज लगते हैं वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ये नहीं कुछ समझ आया सर। एक बार वो जो लेयर्स वाला डायग्राम है ना सर, उनमें जो डेटा सेंड हो रहा है लेयर्स में, जो कम्युनिकेशन है बाई डायरेक्शन लगाया सर, वो डायग्राम थोड़ा सा क्लियर करवाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और बताइए, और बाकी सभी को समझ आ गया सर? लेयर कम्युनिकेशन सर्विसेज में डाउट है। ओके ओके सर। और वो जो आपने नई नई टर्म्स बताई है ना, आई एस जो भी थी, PDU, हाँ जी सर, इनकी फंक्शनिंग अच्छी तरह से बता दो एक बार, वो पता नहीं चला मतलब कैसे ये वर्किंग करते हैं। ओके जी ओके। हाँ जी, आप पूछिए, बाकी सभी को क्लियर है? अंकिता जी, अदिति, हेलो सर। हाँ जी हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी अभिषेक जी। सर वो नेटवर्क वीक हो गया था। अच्छा सर, एक बार एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस समझा देना। अच्छा एनकैप्सुलेशन, और बताइए सर। डीकैप्सुलेशन भी। डीकैप्सुलेशन भी ठीक है जी। हाँ जी सर, सेम ही एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। अच्छा जी, और बोलो बोलो प्लीज बोलो यार, एक बार बोलो बोलो सर। थोड़े मन दी पड़ा अस्कट हैगी, फिर अपन डिस्कस करना स्टार्ट करिए ना सर। सर ना स्लो बोला करो, मैं अभी पिछला थोड़ा सा रिपीट करती हूं, मैं तो आप अगला बोल देते इतने तेज तेज। अच्छा अच्छा, स्पीड कम कर लें। ठीक है ठीक है सर। हाँ जी पल्लवी जी। सर वो जो वो वाला नहीं था, जो डायग्राम था जिसके सब पार्ट्स बनते हैं, मतलब H1 वाला डायग्राम सर, वो नहीं पता लगा कि आगे कैसे मतलब इंक्लूड होगा। ओके हाँ जी, विकास जी, गुंदरदेश, गुरप्रीत, जगदीश, जानवी, हेलो सर। सर मेरा पीसी लैग हो गया है सर, सब कुछ। अच्छा सर, कुछ पता नहीं लग गया। ओके हाँ जी सर, बंद हो गया। हाँ जी सर, लग गया पता। हाँ जी सर, सोखा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई, विकास जी, गुरप्रीत सर, इनकैप्सुलेशन वाला बता दो एक बार। ठीक है बताएंगे। मानसी, मानसी कुछ समझ आया सर? थोड़ा बहुत। हाँ जी आसिफ सर, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो जो मैं जिसमें प्रॉब्लम था वो पूछ लिए क्वेश्चन। ओके ओके। मोहित, निखिल, निशांत,
सर बीच में जाले रह गया तो क्लियर नहीं है। अच्छा क्लियर नहीं होया। हाँ निखिल नितिन सर डायग्राम है। अच्छा नितिन सर वो एनकैप्सुलेशन वाला कौन किक क्लियर हो गया सर वो कॉपर कोर्स का सीखा। ओके ओके ओशन ओशन जी कुछ समझ आया? हाँ जी सर। ओशन जी तुसी अटेंडेंस मार्क कर दिया करो प्लीज उधर पड़ी एब्सेंट मार्क हो जाती है मैं बाद में कुछ नहीं कर सकता। सर वो साइट चलती नहीं पई। अच्छा सर साइट पे वो लोडिंग हो जाती है फिर बाद में अपने आप बंद हो जाती है। अच्छा और भी किसी को इतना प्रॉब्लम आ रही है जी? नहीं सर इतना नेटवर्क इश्यू हो सकता साइड नहीं प्रॉब्लम। ओके हां जी प्रभ सिमरन जी। हां जी सर। हां जी सर कुछ समझ आया? सर थोड़ा बहुत ही। ओके ओके प्रेरणा जी सर लेयर कम्युनिकेशन सर्विस वाला। ओके सुमित अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब कितना मजा आया? हां जी सर आया मजा जी। वेरी गुड। हां जी सुनैना जी। हां जी सर कुछ लगा पता जी? सर एनकैप्सुलेशन सर तो एनकैप्सुलेशन तो बहुत सौखा है एक्चुअली। नहीं सर वो डायग्राम नहीं समझ आया। हां कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तंजोत वरिंदर विवेक सर थोड़ा आईडीयू आईसीआई एसडी वगैरह वाला कुछ नहीं समझ आया है सर ओदे विच ओही चीज नहीं समझ लग रही सर। ओके 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 ओके। अच्छा कोई इदां दा स्टूडेंट जिन्नू आज मजा आया होवे? कोई नहीं आया नहीं सर मजा तो रोज ही आंदा है। मजा भी मेनू ते बहुत मजा आया आज क्योंकि पॉइंट सी पर हुंदा उल्टा है जिदन तुसी पढ़ांदे होए एंजॉय करदे ना उदन नॉर्मली नेचुरल हुंदा है ना उदन स्टूडेंट्स भी एंजॉय करदे आ जिदन तुसी पढ़ांदे होए एंजॉय नहीं करदे ना ते उदन नेचुरल हुंदा कि तुहाडे स्टूडेंट्स भी एंजॉय नहीं करदे। दिस इज नो वेरी मच नेचुरल। अज की सीगा कि मैनूं थोड़ा जिहा पहला ही डाउट सीगा कि अज थोड़ी जिही गड़बड़ होण वाली अज तुहाडे मन माइंड च क्वेश्चन आने चाहीदे बहुत सारे क्योंकि अज दे क्वेश्चंस दे नाल अगे जिहड़ा नैक्सट इन्हां नूं टॉपिक्स नूं आपां जदों डिस्कस करना ना जदों ओएसआई मॉडल आ जाणा टीसीपीआईपी मॉडल आ जाणा है ना उन्हां दे फंक्शंस आ जाणे आ दरअसल उन्हां सारयां दा फंडामेंटल इहो ही है जो अज आपां डिस्कस कीता द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो आपां इक वारी सर एग्जैक्ट क्लियर कट पिक्चर नहीं आंदी पई कि एग्जैक्ट पढ़िया मतलब की आ बेसिक जो नेटवर्क बनना स्टार्ट होया पहली ट्राई की दुनिया च इदा दा हर बंदा अपना स्टैंडर्ड बना के बैठ जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क दे उपर ते कदी भी आपां डिफरेंट जे दो नेटवर्क हर नेटवर्क अपना स्टैंडर्ड फॉलो करेगा तो इदा नेटवर्क कभी कनैक्ट ही नहीं कर सकते आपस च। तो ये सारे प्रोसेस ना सिंपलीफाई करना ते स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ते जेड़ा ए वाली चीजा वो चीजा ने जिन्होंने स्टैंडर्डाइज किया और आई मीन बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया टू ऑल द नेटवर्क्स। तो चलिए अब बड़े ही ध्यान से इसको एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से देखते हैं और अब मैं श्योर हूं कि अब 5-7 मिनट के बाद यू विल बी हैविंग मच मोर क्लियर आइडिया ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन 30 मिनट्स। तो चलिए एक मैं ब्लैंक स्लाइड मुझे मेरा था मैं इसको एंड में ले जाऊं इसको एंड में ले जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक और ले लेते हैं शायद दो स्लाइड्स लग जाए। तो लीजिए अब स्टार्ट करते हैं वापस। तैयार हो जी सारे? यस सर।
अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप दो कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हो या रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर तो आप इंफॉर्मेशन ही एक्सचेंज करना चाहते हो दो कंप्यूटर्स में तो बिना कंप्यूटर नेटवर्क के पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूएसबी ड्राइव प्लग करी सिस्टम में, डेटा कॉपी किया, फिर इस यूएसबी ड्राइव को आप ले गए दूसरे सिस्टम में और वहां पे पेस्ट प्लग करके उसमें से डेटा कॉपीस्ट कर लिया, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तो पॉसिबल है। सीडी में डेटा राइट किया, दूसरे सिस्टम में जाके उसको रीड कर लिया, दिस इज क्वाइट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। बट इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इसकी कॉस्ट, इसकी ड्यूरेशन, टाइम कितना लगेगा इस सारी कम्युनिकेशन में, तो ये सारी चीजें हैं जो इस नेटवर्क की ये सारी डिसएडवांटेज बन जाती हैं। तो इस डिसएडवांटेज को, और दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते इस मॉडल को यूज करके। अगर आप इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सचेंज करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो और रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले आप उन दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करोगे बाय यूजिंग सम कम्युनिकेशन मीडियम, किसी केबल को यूज करके, किसी वायर को यूज करके या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करके आप उन सिस्टम्स को कनेक्ट करोगे। फिर क्या होगा, मशीन नंबर वन पे यूजर बैठेगा, वो इंफॉर्मेशन को कंपाइल करेगा, ठीक है जी, कोई इंटरफेस यूज करेगा और उस इंटरफेस को यूज करके वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा मशीन नंबर टू को। मशीन नंबर टू पे इंफॉर्मेशन रिसीव होएगी क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं बाय यूजिंग द केबल, तो अल्टीमेटली जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो जाएगी सिग्नल के फॉर्म में, है ना। दूसरे सिस्टम पे जाके वो सिग्नल को बिट्स में कन्वर्ट करेगा, बिट्स को इकट्ठा करेगा, मैसेज बनाएगा, फिर उसमें उसकी हेड उसकी सोर्स को चेक करेगा, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कंपाइल करेगा और फिर उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या हुआ, अब इसमें स्टेप्स क्या आए, पहले मशीन नंबर वन पे यूजर बैठा, उसको इंटरफेस चाहिए मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसने वहां पे बैठ के इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया, फिर उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके उसने किसको भेजना है ये डिसाइड किया, ये डिसाइड करने के बाद उसने एक बटन प्रेस करके उस इंफॉर्मेशन को भेज दिया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, लेकिन वायर पे आप जीरो और वन नहीं भेज सकते, आप इस पे भेजोगे वोल्टेज को एनालॉग और या डिजिटल फॉर्म में। दूसरी मशीन पे वो वोल्टेज रिसीव होएगी लेकिन वोल्टेज को वो कन्वर्ट करेगा जीरो एंड वन में, फिर वो देखेगा किसने भेजा है, क्या भेजा है, वो सारा मैसेज कंपाइल करेगा और एक इंटरफेस के थ्रू हम उसको वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देंगे मशीन नंबर टू को। यही प्रोसेस है ना सारा? यस। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर टू यू? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। बस ठीक है, बन गई बात। अब देखिए, क्या सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ कि बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए? बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। तो हमने क्या किया, अपने नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉडल को हमने ये जो डिफरेंट हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए उसके में क्या किया, ये था मेरा कम्युनिकेशन, मान लो दिस इज माय कम्युनिकेशन, ठीक हो गया, दिस इज द सेंडर, दिस इज द रिसीवर। अब इसके बीच में वो सारे फंक्शंस हैं जो हमने परफॉर्म किए फॉर सेंडिंग द डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, इसमें बहुत सारे फंक्शंस थे ना? यस सर। यस। तो हमने क्या किया, उन सभी फंक्शंस को अलग अलग डिवाइड कर दिया और उन फंक्शन को डिवाइड करके हर फंक्शन के अकॉर्डिंगली एक लेयर बना दी, ठीक हो गया जी? यस सर। हर लेयर का अपना एक यूनिक नाम हो गया और अपना एक यूनिक क्या हो गया, फंक्शन, वो क्या काम करती है, ठीक है जी? तो इट मीन हर लेयर का नाम डिसाइड हो गया, फंक्शन डिसाइड हो गया। अब हर लेयर क्या करेगी,
वो सर्विस प्रोवाइड करेगी अपनी अपर लेयर को. ठीक हो गया जी, क्लियर? यस सर. अब अपर लेयर है जो वो जो नीचे से डेटा उसको मिला. अब सेंडिंग साइड पे उल्टा होगा, सेंडर पे क्या होगा, क्योंकि यूजर पहले बैठेगा, डेटा जाएगा ऊपर से नीचे, है ना? यस. ठीक हो गया जी. और रिसीविंग साइड पे क्या होगा, उल्टा, डेटा कैसे ट्रांसफर करेगा, लोअर टू अपर, हाँ, बॉटम अप और यहाँ टॉप डाउन. ठीक हो गया. तो जो लेयर्स हमारे, अब इन सारे फंक्शंस को हमने डिवाइड कर लिया लेयर्स में, तो इट मींस हर लेयर का अपना एक यूनिक नाम है और अपना एक यूनिक फंक्शन है. तो पहली लेयर ने अपना काम किया, फंक्शन किया और उसको प्रोवाइड कर दिया लेयर टू को, लेयर टू ने अपना काम किया लेयर थ्री को प्रोवाइड कर दिया. तो ऐसे फिर यहाँ से ये वहां पे चला गया ना, तो इट मींस अब ये मार्क कर देते हैं ऐसे. मान लीजिए ये लेयर है 5, 4, 3, 2 and 1. ठीक हो गया. पांच लेयर, फिफ्थ लेयर ने अपना काम किया, डेटा दे दिया फोर्थ लेयर को, फोर्थ ने किया अपना थर्ड को दे दिया, थर्ड ने किया सेकंड को दे दिया, सेकंड ने किया फर्स्ट को दे दिया. अब फोर को ये नहीं पता कि फाइव ने क्या किया, थ्री को ये नहीं पता कि फोर ने क्या किया, टू को ये नहीं पता थ्री ने क्या किया, वन को ये नहीं पता टू ने क्या किया. बस उन्होंने क्या किया, अपना जो उनको डेटा मिलता रहा वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहे. क्लियर हो गई ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. फिर अल्टीमेटली वायर से डेटा चला गया दूसरे सिस्टम पे, मान लीजिए रिसीवर पे. तो अब रिसीवर पे लेयर्स के नाम तो वही हैं, फंक्शंस भी वही हैं, है ना? इसका नाम है वन, इसका नाम है टू, इसका नाम है थ्री, इसका नाम है फोर, इसका नाम है फाइव. अब इसके पास डेटा आया, मान लीजिए जो एक्चुअल डेटा था वो था डी. ठीक है जी. तो इट मीन्स जब आप ट्रांसमिट करोगे सिर्फ डी तो जाएगा नहीं, उसके साथ क्या जाएगा, पांच का फंक्शन, चार का परफॉर्म किया हुआ फंक्शन, तीन का परफॉर्म किया हुआ फंक्शन, दो का परफॉर्म किया हुआ फंक्शन, एक का परफॉर्म किया हुआ फंक्शन और डेटा. यही चीज जाएगी ना? यस सर. अब रिसीवर पे ये चीज चली गई. अब रिसीवर को ये नहीं पता कि ये पांच क्या है, उसको ये नहीं पता कि ये फोर क्या है, उसको ये नहीं पता कि थ्री क्या है, ये नहीं पता टू क्या है, पर उसको ये तो पता है ना कि वन क्या है. अब ये उसको क्यों पता है? क्योंकि सेम लेयर. हाँ, इट मींस क्योंकि लेयर सेम है, जो काम लेयर सेंडर साइड पे किया है उसको लेयर नंबर वन रिसीवर साइड पे तो अंडरस्टैंड करती ही है ना, क्योंकि हर लेयर एक दूसरे का काम नहीं समझती, है ना, दूसरे का काम नहीं समझती, लेकिन वो अपना काम तो अंडरस्टैंड करती है ना. तो लेयर नंबर वन क्या करेगी, जो लेयर नंबर वन ने सेंडर साइड पे काम किया है उसको रिमूव कर देगी और डेटा पास कर देगी लेयर टू को, टू दूसरे को रिमूव कर देगी, पास कर देगी थ्री को, थ्री अपना रिमूव कर देगा, फोर्थ अपना, फिफ्थ अपना, और एंड में रिसीवर को क्या मिलेगा, सिर्फ एक्चुअल डेटा. एक्चुअल डेटा, वेरी राइट. अब इन चीजों से क्या क्लियर होता है, अब ध्यान से देखिए. एक तो चीज हो गई कि लेयर्स बनी, लेयर्स क्यों बनी वो आपको क्लियर हो गया है ना, लेयर्स होती क्या है. तो जब एक लेयर दूसरी लेयर को डेटा ट्रांसफर करती है तो उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन पॉइंट होना चाहिए ना. यस सर. और रूल होना चाहिए कि ये डेटा पास कैसे होगा और कम से कम क्या डेटा पास होगा. अब ये कौन करेगा काम, इंटरफेस. हाँ जी बिल्कुल. लेकिन इंटरफेस अब ये चीज नहीं कर रहा कि डेटा को पास, उसने ये कर दिया कि कौन से रूल्स यूज होंगे, कौन से प्रोसीजर यूज होंगे और क्या पास होगा, लेकिन कहां से पास होगा ये नहीं बताया. अब ये कौन बताएगा, डेटा यूनिट. ठीक हो गया जी. और अब जो ये डेटा पास हो रहा है, ये पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ IDU. इंटरफेस डेटा यूनिट. नंबर पांच जो भी चीज पास कर रही है नंबर फोर को, वो सारी चीज किसकी फॉर्म में है, इंटरफेस डेटा यूनिट. उसने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया हर चीज को जो उसके पास थी, उसकी एक यूनिट क्रिएट कर दी. इसमें दो चीजें हैं. अब इसमें है पांच ने काम क्या किया, उसको बोलते हैं ICI, और किसके साथ किया वो उसको बोलते हैं SDI.
यू एक्चुअल डेटा और उसने अपना काम बता दिया आईसीआई में. इसी तरह से वो फोर के पास गया, फोर ने भी आईसीआई में अपना इंफॉर्मेशन डाल दी और साथ में एसडीयू को कर दिया. लेकिन जैसे ही वो डेटा पहुंचा टू के पास, तो टू ने देखा कि जो डेटा मुझे रिसीव हुआ ना इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, मैं इतनी बड़ी लेंथ पास नहीं कर सकता. मतलब आईडीयू को उसने डिवाइड कर दिया. अब आईडीयू को डिवाइड करके वो जो चीज बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा. प्रोटोकॉल डेटा. ये अब इनकैप्सुलेशन क्या होती है? ये चीज हर लेयर जो अपना फंक्शन ऐड करेगी एक्चुअल डेटा के साथ उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. पांच ने इनकैप्सुलेशन कर दी, चार ने अपनी कर दी, तीन ने अपनी कर दी, दो ने अपनी कर दी और एक ने अपनी कर दी. मतलब जो उसने फंक्शन परफॉर्म करके उसकी इंफॉर्मेशन डाली कि मैंने क्या किया उसको क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन. और सेम लेयर जो दूसरी साइड पे है वो उसकी उस इनकैप्सुलेशन को हटा देगी, क्योंकि वो किसी और को तो नहीं अंडरस्टैंड करती, लेकिन जो उसकी सेम लेयर ने किया है सोर्स साइड पे उसको तो वो समझती है ना, इसलिए वो उसको देखेगी और उसको रिमूव कर देगी. दिस इज कॉल्ड डीकैप्सुलेशन. सर हाँ जी सर, जो तुसी हुण दस्सिया सीगा कि ओ जैसे वो अपना काम डिवाइड कर देगी है ना. हाँ जी सर, कहेंगे हाँ जी सर उसको कहेंगे फिर काम पीडी कर देगी. मैं नहीं, जो आपको आईडीयू आया उसका साइज जो था वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी लेयर नंबर टू. हाँ जी सर. तो उसने उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया. यस सर. हाँ जी, क्योंकि सपोज करो आपको आपके पास किसी ने भेजे दो पेज याद करने के लिए, लेकिन आप दो इकट्ठे नहीं याद कर सकते. आपने क्या किया उसको डिवाइड कर दिया एक और एक में. ओके सर. क्योंकि आप दो को इकट्ठा याद नहीं कर सकते तो लेयर नंबर टू भी उसको हैंडल नहीं कर सकती थी. ठीक हो गया जी सर. फिर बाद में इनकैप्सुलेशन इस पे असाइनमेंट के लिए इसलिए चलेगी, ये दो पीडीयूज हैं. इनकैप्सुलेशन तो हो गई ना, जो अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करेगी वो इनकैप्सुलेशन तो उसी को बोलते हैं ना. हाँ जी. मतलब लेयर टू ने जो भी अपना काम किया ना उस रिसीव्ड डेटा पे उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. कुछ भी करे वो, चाहे उसको डिवाइड करे, चाहे सेम को रिसीव करके अपना काम कर दे, कुछ भी काम जो करेगी ना वो लेयर, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. और लेयर दूसरी साइड पे उसको वो हटा देगी, इसको बोलते हैं डीकैप्सुलेशन. डीकैप्सुलेशन. सर इंटरफेस और सर्विसेज में डिफरेंस बताना. इंटरफेस और सर्विसेज. हाँ, इंटरफेस ये बताएगा आपको कि आप रूल्स क्या होंगे और प्रोसीजर क्या होगा डेटा पास करने का एक लेयर से दूसरी लेयर में. ठीक है, रूल्स क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे. ठीक है, और दूसरी चीज कम से कम क्या जो सर्विस है वो लेयर प्रोवाइड करेगी ही करेगी दूसरी लेयर को. ठीक हो गया. दिस इज कॉल्ड इंटरफेस. सर्विसेज मींस अब वो जो इंफॉर्मेशन पास होगी वो कैसे पास होगी, किस फॉर्म में पास होगी, उसको बोलते हैं सर्विसेज. मतलब क्या जो चीज पास होगी वो क्या पास होगी, कैसे पास होगी, और जो चीज पास हुई उसको सर्विसेज. क्या पास होगा कैसे होगा वो इंटरफेस, लेकिन क्या चीज पास होगी दैट इज कॉल्ड सर्विसेज. क्लियर हो गया जी? यस. तो चलिए आप वापस चलते हैं तेजी से फिर से एक बार अपनी प्रेजेंटेशन पे. तो अब आप मार्क करते जाइए, जो चीज आपको नहीं क्लियर होगी आप फिर से पूछते जाइए. नेटवर्क सॉफ्टवेयर क्या होता है ये पता चल गया, लेयर्स क्या होती हैं ये पता चल गया, लेयर्स क्यों बनाई ये पता चला, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ये पता चला. ठीक हो गया जी. प्रोटोकॉल्स क्यों होते हैं ये पता चला. लेयर कम्युनिकेशन कैसे होती है, हायरार्किकल और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया. हायरार्किकल कम्युनिकेशन जो सेम सिस्टम की डिफरेंट लेयर्स में होती है, आई मीन दिस इज हायरार्किकल कम्युनिकेशन, बट दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. दिस इज लॉजिकल.
एक्चुअल जो लॉजिकल कम्युनिकेशन होती है वो ये होती है ना, ये तो लॉजिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल जो फिजिकली हो रही है वो क्या होती है, हायरार्किकल कम्युनिकेशन, दिस वन एंड दिस, दिस इज एक्चुअल फिजिकल कम्युनिकेशन, दिस इज लॉजिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि इस सेंडर होस्ट ए पे लेयर नंबर वन फाइव ने क्या किया, फोर को नहीं पता, थ्री को नहीं पता, टू को नहीं पता, वन को नहीं पता, लेकिन दूसरे सिस्टम पे लेयर नंबर फाइव को तो पता है ना, क्योंकि उन दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है, और अब उनके दोनों के बीच में कोई फिजिकल लिंक तो है नहीं, देखो फिजिकल लिंक है नो, इसीलिए इसको हमने कहा लॉजिकल। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरफेस, फिर डिस्कस किया सर्विसेज और इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। हाँ जी, अब बताइए, अब आपके जो डाउट्स हैं हम एक बार फिर से लेते हैं। सर मुझे एक बार डीकैप, सॉरी सर डीकैप्सुलेशन क्या बता दूं, सर डीकैप्सुलेशन बता दो। हाँ डीकैप्सुलेशन लीजिए। अब ये देखिए, होस्ट ए ने कुछ डेटा कंपाइल किया, ठीक हो गया, लेयर फाइव ने उस डेटा में अपनी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी और ये चीज पास कर दी लेयर नंबर फोर को। अब जो ये इस चीज ने अपनी फंक्शनैलिटी की, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक हो गया। हाँ जी सर। अब ये दोनों चीजें चली गई लेयर फोर के पास, लेयर फोर ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया रिसीव्ड चीज पे और उसको पास कर दिया थ्री को, थ्री ने अपना किया, इस तरह से पास होता रहा, तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जब ये डेटा यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है जी, ऐसे ही ऊपर की तरफ, तो लेयर नंबर फाइव को मिलेगा एच फाइव एंड डी डी, तो लेयर नंबर फाइव इस एच फाइव को देखेगा, उसको रीड करेगा, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इस एच फाइव को हटा देगा। इस हटाने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीकैप्सुलेशन, इसको ऐड करने के प्रोसेस को कहते हैं इनकैप्सुलेशन और रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं डीकैप्सुलेशन। मतलब एक लेयर ने जो फंक्शनैलिटी ऐड करी उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, सेम लेयर कॉरस्पॉन्डिंग मशीन पे उस फंक्शनैलिटी को रिमूव करेगा, उसको बोलते हैं डीकैप्सुलेशन, ठीक है जी। हाँ जी सर, वो जो लेयर्स में डेटा जो है वो ट्रांसफर ही होता है, लेकिन उस लेयर में जो वर्किंग होती है उसका नहीं ना पता चलता कि वो वर्किंग क्या हो रही है। हाँ नहीं नहीं, नीचे वाली लेयर को नहीं पता होता कि वो क्या है, ना ना एक्चुअली इनको डेटा का भी मतलब नहीं होता कि डेटा क्या है। डेटा का मतलब मैं ओएसआई मॉडल में बताऊंगा कि डेटा, जब डेटा का कंसर्न किसके साथ होता है, ठीक है। ओके सर, ओके। और बताइए कोई डाउट। हाँ जी सुष्मित। नहीं सर, जी अब क्लियर है सर। पक्का? हाँ जी, हाँ जी सर। आरुषि सर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर। अदिति, इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन क्लियर हुआ? हाँ जी सर। गुरप्रीत जी? यस सर। हाँ जी नितिन, जगदीश, जानवी? यस सर। हाँ जी तंजोत, वरिंदर, विवेक, प्रेरणा, क्लियर हुआ जी? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको फिर भी लेंगे, लेकिन ये अभी नेटवर्क सॉफ्टवेयर हमारा कंटिन्यू रहेगा, मैंने इसको इजी करने के लिए तीन लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द डिजाइन इश्यूज ऑफ लेयर्स, इन लेयर्स को डिजाइन करने में क्या क्या इश्यूज आते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है जी। और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे फिर सर्विस प्रिमिटिव्स, सर्विस के बेसिक्स क्या होते हैं। Yes, sir.
ठीक है जी, वैसे मैं इसको वैसे ही आपको अवेलेबल हो भी जाएगा वीडियो, कहीं पे भी डाउट हो तो आप वापस जाके देख सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयरिंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.